हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टिव डिजीजेज। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम 2022 के एक नए मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग का जो मॉडल पेपर है उससे संबंधित है, या जो फ्रेंड्स हम लोग का जो बोर्ड पेपर आने वाला है वो फ्रेंड्स कुल मिलाकर तीन सेक्शन में डिवाइड होगा, या फ्रेंड्स सेक्शन नंबर ए में, सेक्शन नंबर बी में और फ्रेंड्स सेक्शन नंबर सी में। और इन तीनों सेक्शन से कुल मिलाकर फ्रेंड्स हम लोग को आठ ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि सेक्शन नंबर ए से कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन को अटेंड करना है, सेक्शन नंबर बी से फ्रेंड्स आप सभी को पांच क्वेश्चन अटेंड करना है, और फ्रेंड्स सेक्शन नंबर सी से कह सकते हैं कि दो क्वेश्चन को अटेंड करना है। इस प्रकार से टोटली कह सकते हैं कि आठ ही क्वेश्चन हम लोग को अटेंड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का जो तीनों सेक्शन है वो किस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग को अटेंड करना है, उसमें फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन हम लोग को करने हैं, फ्रेंड्स कितने शब्दों में लिखने हैं, फ्रेंड्स उनके कितने मार्क्स बनेंगे, उन सभी को मैं फ्रेंड्स अपने एक ही वीडियो में आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो प्लीज मैं आपसे इससे पहले हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आपसे ने वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने हो, और यदि अभी तक आपसे नहीं कर सकते कि चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फ्रेंड्स इसी तरीके से आपसी को जो जूलॉजी के, बॉटनी के, केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे अच्छे कर सकते हैं मॉडल पेपर आपसी के बोर्ड एग्जाम के लिए लाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स जैसा कि आपसे यहां पर नोट करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि नोट अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कह सकते हैं कि जितने भी सेक्शन है उन सभी क्वेश्चन कि जितने भी कह सकते हैं कि सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को फ्रेंड्स आपसी को अटेम्प्ट करना है एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसे कि उनके फ्रेंड्स निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें जो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर ए है, इसे फ्रेंड्स जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपसी को बताया जा रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एंड आल्सो गिवन आंसर 50 वर्ड्स ईच क्वेश्चन गिवन 2 मार्क्स, यानी कह सकते हैं कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, जो फ्रेंड्स सेक्शन नंबर ए में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को फ्रेंड्स आपसी को अटेम्प्ट करना है एंड आल्सो गिवन आंसर 50 वर्ड्स, और सभी जितने भी फ्रेंड्स क्वेश्चन हैं उन सभी को फ्रेंड्स आपसी को आंसर लिखना, फ्रेंड्स कितने शब्दों में लिखना है तो 50 शब्दों में लिखना, कितने शब्दों में फ्रेंड्स तो 50 शब्दों में, या फ्रेंड्स 50 वर्ड्स में लिखना है। एंड इसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि ईच क्वेश्चन गिवन 2 मार्क्स, यानी फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है 10 जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे ये 10 के 10 क्वेश्चन कह सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन फ्रेंड्स साथियों को कितने मार्क्स देगा तो 2 मार्क्स देगा, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 2 नंबर देगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे 10 मिनी क्वेश्चन हो गए, और जब फ्रेंड्स उनका हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार से सेक्शन नंबर ए से फ्रेंड्स हम लोग को 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने मार्क्स मिलने वाले फ्रेंड्स? तो 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सेक्शन नंबर ए में फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन आखिरकार कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर ए में हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कह सकते हैं कि प्लाज्मा भित्ति आखिरकार है क्या। इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंबिनेशन करके लिख दिया है कि दोनों के तरीके से आपसी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स प्लाज्मा भित्ति क्या है, या प्लाज्मा कह सकते हैं मेम्ब्रेन क्या है, इसके बारे में फ्रेंड्स आपसी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज साइटोस्केलेटन, यानी कह सकते हैं कोशिकीय कंकाल क्या है, या फ्रेंड्स वही भी बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर सेक्स लिंक्ड जीन, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा सेक्स लिंक्ड जीन है ये फ्रेंड्स आखिरकार क्या होता है, और फ्रेंड्स इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखे हैं जो 10 मिनी क्वेश्चन हैं, इन सभी को फ्रेंड्स आप कर सकते हैं, मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर से जरूर फ्रेंड्स आप इन्हें नोट कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंड्स फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, यानी कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल आखिरकार क्या होता है, फ्रेंड्स कि न्यूक्लिक एसिड आकर क्या होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कह सकते हैं कि एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है। ऐसे फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत सारे हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, पूछे जाने वाले भी हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी पेडिग्री विश्लेषण होती है ये फ्रेंड्स आखिरकार क्या होती है, और फ्रेंड्स इसे पेडिग्री जो विश्लेषण होता है इसे फ्रेंड्स हम फैमिली ट्री के भी नाम से जानते हैं। तो कभी कभी फ्रेंड्स फैमिली ट्री के नाम से संबंधित फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फिग्रेशन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मेंडल जी का पृथक्करण का नियम था उसके बारे में फ्रेंड्स आपको बताना। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स मेंडल का नियम था वो फ्रेंड तीन नियम थे, और फ्रेंड्स उन्हीं में से हमारा जो एक नियम फ्रेंड्स पृथक्करण का नियम है, यानी सेग्रेशन का भी नियम है। तो सेग्रेशन का आखिर कह सकते हैं ला क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कह सकते हैं कि डीएनए की संरचना का वर्णन करें, फ्रेंड्स किसकी संरचना का वर्णन करना है तो डीएनए की संरचना का वर्णन करना। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है,
कि ग्लाइको व्हाट इज ग्लाइकोसिलेशन, यानी कह सकते हैं कि ग्लाइकोसाइलेशन या कहते हैं कि ग्लाइकोसिलेशन है क्या, तो व्हाट इज ग्लाइकोसिलेशन यानी कह सकते हैं कि ग्लाइकोसिलेशन है क्या या क्या है, इसे भी इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज राइबोसोम, फ्रेंड्स राइबोसोम क्या है, जैसा कि फ्रेंड्स इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है कि प्रोक्सीसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, माइटोकांड्रिया क्या है, ऐसा फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा। तो जो फ्रेंड्स मैंने यहां पर आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आपसे अभी भी देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स एक कोश की कंकाल उसके ऊपर फ्रेंड्स प्लाज्मा भित्ति था, उसके अपने सेक्स लिंक्ड जीन क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक संकर संकरण क्या है, पेडिग्री विश्लेषण क्या है, पृथक्करण का नियम बताइए, डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, राइबोसोम क्या है, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम मैं आप सभी को बता दूं तो 10 बार या 12 बार पूछे गए क्वेश्चन है। इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर से जरूर फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लेना। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर ए हो गया, और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपसे जो आंसर देना है फ्रेंड्स 50 वर्ड्स में देना, फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन के आपसे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर ए हो गया, इसका फ्रेंड्स मैं जल्दी ही आपसे कह सकता हूं कि सॉल्यूशन भी दे दूंगा, या फिर जितने भी क्वेश्चन है उनका फ्रेंड्स किस प्रकार से लिखना है, फ्रेंड्स आंसर भी इनका अगले जो वीडियो होगा उसमें फ्रेंड्स मैं आपको दे दूंगा, आप भी टेंशन ना लें, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपसे लिखने का प्रयास करिए, मैं और भी अच्छे बेहतर तरीके से आपको लिखकर बता भी दूंगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स कि हमारा सेक्शन नंबर बी आखिरकार क्या है। देन फ्रेंड्स जो हमारा सेक्शन नंबर बी है इसमें फ्रेंड्स हमने एक नोट लिखा है कि अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन गिवन 5 मार्क, यानी कह सकते हैं कि सेक्शन नंबर बी में फ्रेंड्स कुल मिलाकर आपसे को 5 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और फ्रेंड्स उन सभी का जो आंसर आपसे को देना है वो फ्रेंड 200 शब्दों में देना है, कितने शब्दों में देना फ्रेंड, तो 200 शब्दों में देना है, और फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन के आपसे को 5 मार्क्स मिलने वाले, कितने नंबर मिलने वाले फ्रेंड, तो 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मैं आपसे को समझ में आ रहा होगा कि सेक्शन नंबर बी में कुल मिलाकर फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और फ्रेंड्स उन सभी क्वेश्चन का जो हम लोग का आंसर देना है वो फ्रेंड 200 वर्ड्स में देना, फ्रेंड 200 शब्दों में देना है, और फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन के हम लोग को 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखते फ्रेंड्स इसमें हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड एंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर ए में हो गया, उसके अंदर फ्रेंड्स 10 मिनी क्वेश्चन थे, अब फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर बी में सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि डीएनए और जो आरएनए है इसमें फ्रेंड्स आपको डिफरेंस बताना, फ्रेंड्स इसमें अंतर बताना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन का ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपसे को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फ्रेंड्स जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनका जो फ्रेंड्स आपसे को आंसर लिखना होगा वो फ्रेंड्स 200 शब्दों में लिखना होगा। तो डीएनए के बारे में आपसे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, और इसी के साथ ही फ्रेंड्स आरएनए के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो डीएनए और आरएनए क्या है, इसमें फ्रेंड्स आखिरकार क्या अंतर होता है, उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे को बताना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैरियोटाइप, एक्सप्लेन नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कैरियोटाइप आखिरकार क्या है, सामान्य मानव कैरियोटाइप की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कैरियोटाइप एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स एक कैरेक्टर होता है, फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा एक लक्षण होता है, इसके साथ ही फ्रेंड्स मानव में 2 लक्षण, एक फ्रेंड्स कैरियोटाइप का होता है और फ्रेंड्स एक इडियोग्राम का होता है। तो जो फ्रेंड्स ये दोनों लक्षण होते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे लक्षण फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं, तो इसमें जो फ्रेंड्स हमारा कैरियोटाइप है फ्रेंड्स कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसका समय फ्रेंड्स अपने इसी क्वेश्चन के रूप में लिख भी दिया है कि व्हाट इज कैरियोटाइप, एक्सप्लेन नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप, यानी कह सकते हैं कि कैरियोटाइप आखिरकार क्या है, सामान्य मानव कैरियोटाइप की आखिर आपसे को फ्रेंड्स क्या करनी है, तो व्याख्या करनी, या फ्रेंड्स इस आपसे भी ये क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं, या तो फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा यहां पर आर लगा है फ्रेंड्स अथवा लगाकर फ्रेंड्स एक दूसरा भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है कि एक्सप्लेन द फैमिली ट्री, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो पेडिग्री विश्लेषण जैसे फ्रेंड्स मैंने अपने सेक्शन नंबर ए में बताया था, तो उसी को फ्रेंड्स हम लोग फैमिली ट्री भी कहते हैं। तो जो फ्रेंड्स फैमिली ट्री है कि एक्सप्लेन द फैमिली ट्री एंड Also dear symbols and chart, यानी कह सकते हैं कि family tree friends आखिर का क्या होता है, उनका friends आपसे को वर्णन करना है, और उसी के साथ साथ friends जो family tree की chart होते हैं, जो friends उनके कुछ symbols होते हैं, उन सभी का friends आपसे को वर्णन करना है। friends मैंने आपस में जनरली लिख भी दिया है कि family tree तथा उनके प्रतीक व chart का वर्णन भी कीजिए। तो ये friends हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का, आप चाहे कार्डियो टाइप वाला कर सकते हैं या friends family tree वाला कर सकते हैं। उसके बाद friends हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्रेंड्स संरचना होती है और जो फ्रेंड्स उसके फंक्शन होते हैं उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फ्रेंड्स क्या करना है, तो एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली होती है इसकी फ्रेंड्स संरचना को और फ्रेंड्स इसके जो कार्य है उन सभी का फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो वर्णन करना। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है
कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, यानी फ्रेंड्स फिनोटाइप तथा जीनोटाइप में फ्रेंड्स आपको क्या बताना है फ्रेंड्स, तो डिफरेंस बताना फ्रेंड्स, अंतर बताना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स हमारे वाह आकार रहते हैं, वाह रंग रहते हैं, वाह जो गुण रहते हैं, वो फ्रेंड्स हमारे फिनोटाइप आते हैं, जबकि जो फ्रेंड्स हमारे आनुवंशिक रूप से होते हैं वो फ्रेंड्स हम क्या होते हैं, तो जीनोटाइप में होते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारा फिनोटाइप होता है, जो फ्रेंड्स हमारा जीनोटाइप होता है, उनसे फ्रेंड्स आपको क्या बताना फ्रेंड्स, तो डिफरेंस बताना है। आप इसे करना चाहे फ्रेंड्स हमारे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में तो इसे कर सकते हैं, या तो फ्रेंड्स आर लगाकर एक सेकंड क्वेश्चन भी लिखा गया है कि एक्सप्लेन द माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स समसूत्री या जो फ्रेंड्स अर्धसूत्री विभाजन होता है, इन दोनों का फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है फ्रेंड्स, वर्णन करना फ्रेंड्स, या इनके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आई होप मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को मैं जितने भी क्वेश्चन समझा रहा हूं फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है कि गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकांड्रिया, यानी कह सकते फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिव द स्ट्रक्चर फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि फ्रेंड्स स्ट्रक्चर जो किसकी स्ट्रक्चर जो फ्रेंड्स कह सकते हैं और किसके फंक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, तो माइटोकांड्रिया, जो माइटोकांड्रिया फ्रेंड्स इसकी आप सभी को संरचना बताना है, और इसी की संरचना के साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके कह सकते हैं कि फंक्शन के बारे में फ्रेंड्स बताना है, इसके फ्रेंड्स कार्य के बारे में बताना है। तो इसका समय फ्रेंड्स यहां पर नीचे लिख भी दिया गया है कि माइटोकांड्रिया की कार्य संरचना बताना है फ्रेंड्स, उसके कार्य को भी बताना है फ्रेंड्स, उसके संरचना को भी बताना है। तो जो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर बी में फ्रेंड्स यहां सेक्शन नंबर जो फ्रेंड्स हमारा बी था, इसे फ्रेंड्स कुल मिलाकर आप सभी को 5 ही क्वेश्चन करने थे, जो फ्रेंड्स हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन से लेकर फ्रेंड्स हमारे 6 नंबर क्वेश्चन तो हुए, और फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारे जो 5 क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बता दिया, इसे फ्रेंड्स आर लगाकर भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर बी हो गया। ये फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी को 200 शब्दों में लिखना है, फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन के आप सभी को 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर सी भी क्या है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर सी है, इसमें फ्रेंड्स मैंने नोट के रूप में लिखा भी है कि अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 1500 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन गिवन 15 मार्क्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर सी है, इसमें फ्रेंड्स कुल मिलाकर आप सभी को 2 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और जो फ्रेंड्स हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चन है उन सभी का जो फ्रेंड्स आप सभी को आंसर देना है वो फ्रेंड्स 500 शब्दों में देना है, और फ्रेंड्स जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है उन सभी को फ्रेंड्स आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन के 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर सी हुआ, इसमें फ्रेंड्स आप सभी को 2 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं, दोनों क्वेश्चन को आप सभी को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 500 शब्दों में लिखना है, और दोनों के फ्रेंड्स आप सभी को 30 मार्क्स मिलने वाले फ्रेंड्स, यानी 15 और 15 फ्रेंड्स कितने मार्क्स हो गए, तो 30 मार्क्स हो गए। उसमें देखते फ्रेंड्स किसमें और फ्रेंड्स किस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन, गिव एन अकाउंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, यानी कह सकते हैं कि व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, ऐसे फ्रेंड्स ऐसे भी आता है कि सेक्स लिंग्ड जीन क्या है या सेक्स डिटरमिनेशन क्या है, फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग जनरली ध्यान देना कि लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, लिंग निर्धारण के क्रोमोसोमल जो फ्रेंड्स सिद्धांत होते हैं उनका फ्रेंड्स उदाहरण सहित आपको क्या करना है, तो वर्णन करना है, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, यानी कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण का जो फ्रेंड्स क्रोमोसोमल थ्योरी है उसका फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है, तो उदाहरण सहित फ्रेंड्स क्या करना है, तो वर्णन करना। तो ये फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि निम्न पर आप सभी को वर्णन करना है फ्रेंड्स, एक कह सकते हैं कि संक्षिप्त टिप्पणी करना है, जिसमें फ्रेंड्स हमारा पहला कह सकते हैं पॉइंट है सेल साइकिल फ्रेंड्स, कोष का चक्र आखिर का क्या होती है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट है इंटरफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कोष का चक्र है इसका फ्रेंड जो पहला स्टेज होता है जिसका फ्रेंड्स नाम है इंटरफेज, तो आखिर का इंटरफेज स्टेज क्या होता है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है कि एम फेज ऑफ सेल साइकिल, यानी कह सकते हैं कि कोशिका चक्र का जो आखिर का एम फेज क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो फ्रेंड्स सेल साइकिल होता है इसके फ्रेंड्स अंतर्गत 2 फेज होते हैं, एक फ्रेंड्स इसका इंटरफेज होता है और इसका फ्रेंड दूसरा फेज होता है, उसे चाहे फ्रेंड्स डिवीजन फेज भी कह सकते हैं या एम फेज भी कह सकते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स हमारे 3 के तीनों जो फेज हैं इन सभी को फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन करना फ्रेंड्स, कम से कम 500 शब्दों में करना है, 4 पेज में लगभग करना है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आज जो मैंने आप सभी को जूलॉजी का जो फ्रेंड्स पेपर पैटर्न मॉडल पेपर के रूप में बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैं फ्रेंड्स आज कह सकते हैं कि गारंटी के साथ फ्रेंड्स कहता हूं, आप लोग बाद में फ्रेंड्स पेपर देना तभी फ्रेंड्स देख लेना, कि मैं ऐसा गारंटी के साथ फ्रेंड्स ऐसा कहता हूं कि कम से कम फ्रेंड्स 80% से ज्यादा क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी पेपर से आने वाले हैं। तो मैं ऐसा फ्रेंड्स दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स मैंने यह बहुत ही अच्छे तरीके से काफी सारे सर्चिंग करने के बाद फ्रेंड्स ऐसा पेपर खुद कह सकते हैं कि बनाया है। तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन आप सभी को बताए हैं इन
सभी का फ्रेंड्स आप सभी आंसर कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स सर्च करिए और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखिए। तो मैं ऐसा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, फ्रेंड्स समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को फ्रेंड्स अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से बॉटनी के भी और जूलॉजी की बहुत ही अच्छे तरीके से उनके शॉर्ट नोट्स, उनके लॉन्ग आंसर, उनके फ्रेंड्स जो कर सकते हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर होगा, उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड आप सभी को कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।